नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण दुबे और आप देख रहे हैं सूचना नेटवर्क। कुशीनगर में भाजपा का परचम, सावित्री जायसवाल बनी जिला पंचायत अध्यक्ष। जी हां, कुशीनगर के जिला पंचायत अध्यक्ष की चुनाव प्रक्रिया संपन्न हो गई। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच हुए मतदान एवं मतगणना के बाद परिणाम आया। परिणामों में भाजपा की सावित्री देवी विजयी घोषित की गई, जिन्हें 61 वोट के मुकाबले 46 वोट मिले, तथा समाजवादी पार्टी की रीता देवी को 15 वोट मिले। जी हां, जिलाधिकारी एस राजलिंगम द्वारा सावित्री देवी को विजयी होने पर जिलाधिकारी कक्ष में प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। कुशीनगर में चुनाव की प्रक्रिया नामांकन से लेकर मतदान एवं मतगणना तथा परिणाम प्राप्ति तक सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। प्रशासन की मुस्तैदी बहुत ही चाक चौबंद थी। चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा था। 200 मीटर की परिधि के अंदर किसी भी अतिरिक्त व्यक्ति को आने की इजाजत नहीं थी। जिलाधिकारी तथा अपर जिलाधिकारी ने प्रमाण पत्र प्रदान करते हुए सावित्री देवी को जीत की बधाई दी। सावित्री देवी पूर्व में भी जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुकी हैं। इस क्रम में सावित्री देवी तथा भाजपा के जिला अध्यक्ष के द्वारा पूरे जिला प्रशासन को उनकी मुस्तैदी तथा शांतिपूर्ण तरीके से निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराए जाने हेतु धन्यवाद ज्ञापित किया। इस अवसर पर भाजपा के जिलाध्यक्ष प्रेमचंद मिश्रा, जिलाधिकारी अपर जिलाधिकारी विंध्यवासिनी राय तथा सावित्री देवी के पति प्रदीप जायसवाल एवं अन्य लोग भी मौजूद रहे। सूचना नेटवर्क के लिए कुशीनगर से कमलेश खरवार की रिपोर्ट। तो मीडिया के भाई बंधुओं को प्रणाम करते हैं। और ये चुनाव हम जीते हैं, हम यहाँ पर खड़े हैं। हमारे सारे इतने पार्टी का कार्यकर्ता अभी के लिए बस इतना ही। इसी तरह की ताजा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें सूचना नेटवर्क। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।